वीरभूम हिंसा के मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज सुनवाई। कोर्ट ने हिंसा पर मांगी है रिपोर्ट। हाईकोर्ट ने गवाहों को सुरक्षा देने के लिए कहा, हिंसा वाली जगह की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट का निर्देश, जिला जज की मौजूदगी में लगे कैमरे। दिल्ली से CFSL की टीम सबूत जुटाने के लिए पहुंची थी। वीरभूम हिंसा के मामले में अब तक 20 लोग गिरफ्तार। TMC नेता की हत्या के बाद भड़की थी हिंसा। बंगाल के वीरभूम कांड की जांच तेज हुई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया, सबूत जुटाए गए। पीएम मोदी ने वीरभूम कांड की निंदा की, कहा दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीएम ने कहा जनता दोषियों को कभी माफ नहीं करेगी, सजा दिलाने में केंद्र सरकार हर मुमकिन मदद करेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज वीरभूम में घटनास्थल का दौरा करेंगी, हालात का जायजा लेंगी। ममता ने कहा अग्निकांड सही नहीं, लेकिन गुजरात राजस्थान में भी इस तरह की घटनाएं हुई। ममता के बयान को राज्यपाल ने बताया शर्मनाक, कहा सीएम इस बर्बरता की तुलना पहले की घटनाओं से कर रही है। जगदीप धनखड़ ने हिंसा के पीछे राजनीतिक साजिश बताई, कहा मैं मूक दर्शक नहीं रह सकता। बीजेपी का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आज रामपुर हाट गांव का दौरा करेगा। 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल में ब्रिजलाल और सतपाल सिंह समेत 4 पूर्व IPS ऑफिसर हैं। बीजेपी के स्टेट डेलीगेशन ने भी वीरभूम किन्ने में घटनास्थल का दौरा किया, आसपास के लोगों से बात की। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने CBI जांच और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। घटना को लेकर बीजेपी आक्रामक, सुकांता मजूमदार ने मामले में केंद्रीय दखल की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आज जाएंगे वीरभूम, रामपुर हाट में घटनास्थल का दौरा करेंगे। आज सुदीप बंदोपाध्याय की अगुवाई में TMC सांसदों का डेलीगेशन गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा, संसद भवन में करेगा मुलाकात। यूपी में आज शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे नेता। विधायक दल की बैठक में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास भी मौजूद होंगे। दोपहर बाद दोनों पहुंचेंगे लखनऊ। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी, दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे बातचीत हुई, मंत्रिमंडल को लेकर हुई चर्चा। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम के तौर पर लेंगे शपथ, लखनऊ के अटल बिहारी स्टेडियम में होगा समारोह। यूपी में मिली करारी हार के बाद तिलमिलाए असदुद्दीन ओवैसी, यूपी में AIMIM की सभी इकाई को भंग किया। उत्तराखंड में आज पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की होगी पहली बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। शपथ लेने के बाद बोले सीएम धामी, जो हमने संकल्प लिया उस पर आज से काम शुरू। हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, संतों का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की बैठक बुलाई। 26 मार्च को पार्टी मुख्यालय में होगी बैठक। 25 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे राहुल गांधी। बैठक में कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई नेता मौजूद होंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। सीएम बनने के बाद होगी शिष्टाचार मुलाकात। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लॉन्च की एंटी करप्शन हेल्पलाइन। लोग वीडियो अपलोड कर घूस मांगने वाले अफसरों की शिकायत कर सकते हैं। बिहार में मुकेश सहनी को बड़ा झटका, उनकी VIP पार्टी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए। VIP पार्टी के 3 विधायकों के शामिल होने के बाद बिहार में बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। विधानसभा में विधायकों की संख्या हुई 77, RJD के पास हैं 75 विधायक। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने निवास पर शिवसेना विधायकों और मंत्रियों को डिनर दिया। उनके रिश्तेदार पर केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद ये मुलाकात हुई। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया के बेटे के खिलाफ शुरू की जांच। शिवसेना ने जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। गैलरी के उद्घाटन के बाद बोले पीएम, कहा तिरंगे के 3 रंगों में नए भारत का भविष्य दिख रहा है। चीनी विदेश मंत्री के कश्मीर का जिक्र करने पर भारत का कड़ा रुख, चीन को आंतरिक मामलों से दूर रहने के लिए कहा। इस्लामिक सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद में चीनी विदेश मंत्री ने दिया था बयान, विदेश मंत्रालय ने बयान को गैर जरूरी बताते हुए खारिज किया। श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड, 1 CRPF जवान और 1 पुलिसकर्मी जख्मी, पास से गुजर रहे 3 लोग जख्मी हुए। श्रीनगर पुलिस ने आतंकियों के ग्रेनेड फेंकने वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। 4 ग्रेनेड के साथ आतंकियों के 4 मददगार गिरफ्तार हुए। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज से शुरू होगी। कोरोना के बाद पहली बार होंगे ऑफलाइन एग्जाम। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 1,82,00,00,000 डोज लगाई गई। बुधवार को 28 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन। WHO ने कोरोना के लेकर दुनिया को किया आगाह। WHO ने कहा महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी, दोनों पक्षों ने माना बातचीत आगे बढ़ने के बावजूद युद्ध रोकने को लेकर बात नहीं बनी। यूक्रेन नेशनल गार्ड्स ने मारीपोल की जारी की तस्वीर, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है तबाह शहर। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले के सायरन बजे, जोरदार हवाई हमले में शॉपिंग मॉल और कई ऊंची इमारतें जमींदोज हो गई। रूस ने यूक्रेन के एक और एंटीक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को किया तबाह, टारगेट को उड़ाने का वीडियो जारी किया। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। ट्वीट कर कहा G7 और नेटो की बैठक में यूक्रेन को और हथियार भेजने की अपील करूंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूरोप के लिए रवाना, ब्रसल्स में यूरोपीय देशों के साथ बैठक पर रूस के खिलाफ बनेगी रणनीति। अलवर में दलित युवक को मंदिर में नाक रगड़ने को किया गया मजबूर। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर हिंदू देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी का आरोप है। IPL के फैंस के लिए खुशखबरी, BCCI ने 25% दर्शकों को स्टेडियम में आने की मंजूरी दी।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।